नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। आज यौम अशूरा के दिन भालकी में सभी धर्मों के लोगों ने मनाया मुहर्रम, अलमों का किया दर्शन। बीदर के गांव कोलार के ग्रामीणों द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक के सम्मान में आयोजित किया गया समारोह बेंगलुरु में धोती पहनकर मॉल पहुंचा किसान, तो उसे अंदर जाने की नहीं मिली इजाजत। अन्नदाताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा के गले की हड्डी बन गए हैं अजित पवार, शरद पवार गुट का दावा। संघ की रिपोर्ट से गरमाई राजनीति। नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास, बंद करो अल्पसंख्यक मोर्चा। बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के बयान पर बवाल। जनता सारे भ्रष्टाचार जानती है, अखिलेश यादव का यूपीए सरकार पर निशान। अब समाचार विस्तार से। हमारे देश में मुहर्रम का त्योहार सभी धर्मों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। भालकी के हुसैनी बादशाह आलम और हुसैनी जंग आलम का पर्व आज बुधवार को याम ए अशूरा के दिन सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और मत्था टेका। मुस्लिम समुदाय ने फातिहा खानी की और शहीद इमाम में हुसैन और उनके परिवार की शहादत को याद किया। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा एक ऐसे त्योहार के रूप में जानी जाती है जो सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करती है। मुहर्रम इन्हीं त्योहारों में से एक है। मुहर्रम और वर्षों से सभी धर्मों के लोग इसे एक साथ मनाते आ रहे हैं। भालकी से संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके के रुसपुर गांव में मुहर्रम गांव के लोगों द्वारा मनाया गया और अलम मोहम्मद हनीफ उठाया गया। इस मुहर्रम अलम जुलूस में स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के गांव से हजारों की संख्या में इमाम हुसैन के चाहने वालों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कई अकीदतमंदों ने लाखों रुपए की पुष्पमालाएं हजरत महनीफ दरगाह पर समर्पित की। चिंचोली से गौतम की रिपोर्ट। सोमवार को बीदर के गांव कोलार के ग्रामीणों द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक अनंत कुलकर्णी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। अनंत कुलकर्णी, जिन्होंने बीदर तालुके कोलार के गांव के श्री बोमगुंडेश्वर शिक्षा संस्थान में लगभग 31 वर्षों तक बिल्को दागे गांव में एक शिक्षक के रूप में सेवा की, सजाए गए सरोता रथ में जन्म लिया। गांव के युवाओं और छात्रों ने नृत्य किया और मार्च कर रहे शिक्षकों के मंत्रोच्चार और उनकी सेवा का जश्न मनाया। एक शिक्षक के रूप में ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने विद्यार्थियों को देने वाले शिक्षक कुलकर्णी को गांव में भव्य जुलूस निकालकर कहा गया कि इस जीवन को भुलाया नहीं जा सकता। भव्य जुलूस में गांव के बुजुर्ग, युवा और नेता शामिल हुए। शिक्षक अनंत कुलकर्णी इस बात का उदाहरण है कि शिक्षक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान बच्चों को दिए गए ज्ञान का लोग किस प्रकार आदर और सम्मान करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे पांच गारंटी योजना की कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अमृता राव चिमकोड़े ने सबसे पवित्र वृत्ति शिक्षा वृत्ति के बारे में बात की। इस कार्यक्रम में वृंदा के विद्यालय के शिक्षक, संचालक मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे। एपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। महात्मा बोमगुंडेश्वर शिक्षण संस्थे अड़ियल नड़ीतिव रामस्वामी पेरियार प्रौढ़शाल अधीन 1993 2024 ವರೆಗೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಸೇವಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತನ್ನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತು ತಾವು ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಈ ಕಾಯಕ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹತ್ವ ಆ ಕಾಯಕವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಏನೋ ಸೇವಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೇನಾರ ನಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದಂಗೂ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಲಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೆದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಫೋನಿಂದ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದೇ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋದೇನು ಬಸವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೋ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ
ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಣಬಸವಣ್ಣ ಬಾಜದಾಗಿರೋ ಪಂಡಿ ಮಿಂಚಣದರಿದ್ದರು 2 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಅವಾಗ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದೇವರಾಗ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ. बेंगलुरु के जीटी वर्ल्ड मॉल में धोती पहनकर पहुंचे एक किसान को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया. इसे लेकर किसानों में आक्रोश फैल गया है. बुधवार को कर्नाटक समर्थन संगठन के साथ किसानों ने मॉल के सामने विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने कहा कि किसान धोती पहनकर आया, इसीलिए उसे सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया. इसका विरोध किया जा रहा है. वही मामले को लेकर कांग्रेस विधायक NA हरीश ने कहा कि यह स्वीकार नहीं है. धोती पारंपरिक ड्रेस है. हम सरकार से मामले में कार्यवाही के लिए कहेंगे. SP चिन्नूरी रूपेश IPS ने आदेश दिया है कि संगारेड्डी जिले में जहां भी अवैध काम हो रहा है उन्हें पकड़ लिया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए. NH-65 टोल प्लाजा मुनिपल्ली पुलिस को भी बड़ी कमाई मिली है. DCM गाड़ी नंबर TS-1UA-5009 MI अवैध गुटखा और पान मसाला अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा था, वो पकड़ लिया गया है. बीदर से हैदराबाद को गुटखा और पान मसाला खरीदने के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था. DCM MI-60 बैग गुटखा और पान मसाला, गुटखा और पान मसाला की कुल राशि 49,94,400 रुपए है. जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट. सो जिला लो ई अक्रम कार्यकलापालन्नितिनी कूडा अरिकट्टडानिकि स्पेशल टास्क फोर्स नियमिंचडं जरिगिंदि. सो मनं गत कोन्नि रोजुलुगा चूस्तुन्नां चाला वरकु गांजा कानिवंडि, PDS రైస్ కానివ్వండి, గుట్కా కానివ్వండి, ఫుడ్ అడల్టరేషన్, రీసెంట్గా మనము ఈ అల్లం సంబంధించిన అడల్టరేషన్ కానివ్వండి, అడల్టరేటెడ్ మిల్క్ కానివ్వండి, వీటన్నిటి మీద కూడా మనము బాగా నిఘా పెట్టి వాళ్ళందరూ పట్టుకోవడం జరిగింది. సో దానిలో భాగంగా నిన్న మన కంకోల్ టోల్ ప్లాజా దగ్గర స్పెషల్ టాక్టికల్ వెహికల్ చెకింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఒక DCM దొరకడం జరిగింది. ఆ DCMని కరెక్ట్గా వెరిఫై చేసిన తర్వాత TS-01UA-5009 దీనిలో గవర్నమెంట్ చేత నిషేధించబడిన గుట్కా ఏదైతే ఉందో దాదాపు 35 లక్షల విలువైన గుట్కా, అంటే ఒక కంప్లీట్ ఒక DCM విలువైంది. సో రుక్తే చోడే బ్రేక్ కే లియే జల్ లౌటెంగే బ్రేక్ కే బాద్. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482127. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर.
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जहीराबाद के विधायक के माणिक राव ने स्पीकर से मुलाकात की है और बताया कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी की जांच के लिए 7 महीने की देरी हुई है, वो जल्द से जल्द दे और जिन लोगों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक नहीं मिल रहे हैं उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेक वितरण के लिए अनुरोध भी किया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। आज बुधवार को यौम अशूरा के अवसर पर मस्जिद मूसा में जलसा शहदाए करबला आयोजित किया गया। इस जलसे की शुरुआत मस्जिद के नायाब इमाम हाफिज मोहम्मद मोइनुद्दीन निकिराते कलाम पाक से हुई और हमद व नाते रसूल अकरम और मुखिबत हाजी बगदाद साहब और मोहम्मद अजीमुद्दीन कादरी और इरफान ने पेश किया और इस इमाम व खतीब सैयद सैफुल्लाह साहब ने इमाम हुसैन और शहदाए करबला पर बयां किया और दुआ की। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर संघ ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल संघ ने अपने साप्ताहिक मराठी अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया कि राज्य में भाजपा के खराब प्रदर्शन की वजह अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से गठबंधन है। आरएसएस के इस दावे पर एनसीपी एसपी ने कहा है कि अब भाजपा को अजित पवार की जरूरत नहीं है। एनसीपी एसपी प्रवक्ता क्लाइड कॉस्टो ने कहा कि ये दिखाता है कि अब भाजपा को अजित पवार जी और उनकी टीम की जरूरत नहीं है। भाजपा पार्टियां और परिवार तोड़ दी हैं ताकि कुछ वोट पा सके लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि असली एनसीपी कौन सी है जिसका नेतृत्व शरद पवार करते हैं। लोगों ने बता दिया है कि असली शिवसेना कौन सी है जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे करते हैं। भाजपा को ये पता चला है कि अजित पवार के साथ से उन्हें नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि अजित पवार गुट के नेताओं को भी यह एहसास हो गया है कि उन्होंने अजित पवार के साथ आकर गलती कर दी है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब भाजपा अजित पवार से पल्ला झाड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास नारा दिया था और सबको साथ लेकर चलने की बात कही थी लेकिन पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, पार्टी को तुरंत अल्पसंख्यक मोर्चा भंग कर देना चाहिए। बंगाल के चुनाव में मिली हार और हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर उन्होंने यह बयान दिया जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। कोलकाता में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अब हमें नया नारा लेकर चलना होगा, जो हमारे साथ हम उनके साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, मैंने राष्ट्रवादी मुसलमानों के बारे में बात की थी और आप सभी ने भी कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं इसे अब और नहीं कहूंगा बल्कि अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ सबका विकास बंद करो, अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के चुनाव में एनडीए को गहरा झटका लगने के बाद बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसी बीच पूर्व यूपी सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आपस में लड़ रही है, जनता भी सारे भ्रष्टाचार को जानती है। दूसरी ओर कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है, ये कमजोर पड़ गए हैं। साथ ही उपचुनाव पर सपा नेता ने कहा कि हमने जैसा किया उससे बेहतर करेंगे, यूपी सरकार कमजोर पड़ी है इसीलिए अपना फैसला टाल रही है। लखनऊ में मकानों को गिराने का फैसला स्थगित नहीं बल्कि निरस्त होना चाहिए। शिक्षकों को परेशान करने में लिए डिजिटल अटेंडेंस शुरू किया, सपा डिजिटल अटेंडेंस को रद्द करने की मांग करती है। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482129। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत ने कहा है कि फैसला लिखने में 5 से 7 दिनों का समय लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि फैसला लिखने में 5 से 7 दिन लगेंगे। अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर भी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जबकि अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगी। उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़े बदलावों की सुगबुगाहट के बीच राज्य में पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक बातचीत चली। मंगलवार को चौधरी ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी मंगलवार से ही दिल्ली में डटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन और आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा में लंबे समय से मंथन जारी है। बीते दिनों लखनऊ में हुई भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से यूपी की सियासत में उथल पुथल मच गई है। उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। उनके इस बयान के बाद मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार और संगठन दोनों के प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज यौम अशूरा के दिन हालकी में सभी धर्मों के लोगों ने मनाया मुहर्रम, अलमों का किया दर्शन। बीदर के गांव कोलार के ग्रामीणों द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक के सम्मान में आयोजित किया गया समारोह। बेंगलुरु में धोती पहनकर मॉल पहुंचा किसान तो उसे अंदर जाने की नहीं मिली इजाजत। अन्नदाताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा के गले की हड्डी बन गए हैं अजित पवार, शरद पवार गुट का दावा। संघ की रिपोर्ट से गरमाई राजनीति। नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास, बंद करो अल्पसंख्यक मोर्चा। बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के बयान पर बवाल। जनता सारे भ्रष्टाचार जानती है, अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशान। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।